गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज वैभव सैनी, असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग योर डिस्क्रिप्टिव फॉर IBPS PO मेंस। देखो, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपका काफ़ी प्रीशियस टाइम चल रहा है। होप सो आपका एग्जाम टाइम पे होगा। देखो, बाकी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी पोस्टपोन हो जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने इंटरव्यू दिए थे जनवरी फरवरी में, तो कोविड पीक पर था यार, बट सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने इंटरव्यू टाइम पर कंडक्ट कराए थे और प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई थी। मतलब विद इन 7-8 डेज हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी आफ्टर इंटरव्यू, मतलब आफ्टर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट, मेडिकल वगैरह सब ओके। देखो, डिस्क्रिप्टिव का बता दूँ, जिसने SBI PO मेंस दिया है उसको पता होगा मैंने दो बातें बोली थी। एक तो इकोनॉमी बेस्ड ऐसे आपको जरूर देखने को मिलेगा, और एक आपको करंट बेस्ड, करंट में उन्होंने कुछ कोविड रिलेटेड आपसे पूछा था। अब इकोनॉमी बेस्ड यार क्या होता है, आप इकोनॉमी बेस्ड कोई भी एसे याद करके चले जाओ, उसका 50-60% कंटेंट ऐसा होता है जो आप किसी भी एसे में कॉपी बेस्ट कर सकते हो। लाइक इकोनॉमी रिलेटेड कुछ भी आ जाए, वो कंटेंट आपका ऐसा होगा जो आप याद करके जा रहे हो। कुछ भी टॉपिक आ जाए, आप उसको चिपका के आ सकते हो उस एसे में, ठीक है। और पहला पॉइंट ये हो गया। देखो, दूसरा पॉइंट, अभी कम टाइम है आपके पास, मैं क्या करने वाला हूँ, एक अपना गाइडली का नाम आपने सुना होगा, तो उनकी फ्री पीडीएफ और यू कैन से डिस्क्रिप्टिव का फ्री कंटेंट वो दे रहे हैं। उसमें आपको 40 एसे मिलेंगे, आपको 40 प्रैक्टिस के लिए एसे मिलेंगे और 40 लेटर मिलेंगे। उसका फायदा क्या है, आप जो उनका टॉपिक है उस पर एसे लिखो, विद इन टाइम फ्रेम आप लिखोगे, और आफ्टर सबमिटिंग योर टेस्ट, आफ्टर सबमिटिंग योर एसे और लेटर, उनका आपको सॉल्यूशन उनकी तरफ से मिलेगा कि अगर कोई और होता तो कैसे लिखता। तो एक तरीके से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गाइडली आपको 40 टॉपिक दे रहा है, उन 40 में से जो आपको 8 या 10 अच्छे लगे उनको याद कर लो। और याद कैसे करोगे, आपको खुद से कहीं डाउनलोड नहीं करना, अपना अटेम्प्ट करो, अपना बेस्ट दो, फिर उनका जो सॉल्यूशन है उसको देख के जो जो उसमें अच्छा लगे उसको याद कर लो। देखो स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, तो कहीं से कुछ कराया मिल जाए उसको एक्सेप्ट करने में मतलब फायदा रहता है। अगर कोई आपको सॉल्यूशन दे रहा है तो वो कॉन्टेंट अच्छा ही देंगे, गाइडली इज अ गुड प्लेटफॉर्म यार, तो आप वो कर सकते हो। बाकी देखो, मेन अहमियत क्या रहती है लेटर में, मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए, इनफॉर्मल में मार्क्स कम मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। फॉर्मल में यार 50% तो आपका जो फॉर्मेट होता है वही कवर कर लेता है आपके वर्ड लिमिट को, तो फॉर्मल पे थोड़ा ध्यान दो। और एक चीज और है, वर्ड लिमिट जो भी आपकी होगी प्लस माइनस 10 चलेगा। सपोज करो 250 की वर्ड लिमिट आपकी एसे में सपोज, और आप 250 से ज़्यादा लिख के आ रहे हो, 260 आपने लिख दिया, तो चलो इट्स ओके यार, बट आप 270-280 तक पहुँचे हो ना, इट्स वेरी बैड फॉर यू, फिर आपकी माइनस मार्किंग होने लगेगी। यहाँ 250 की लिमिट है, आप 230-220 लिख के आ रहे हो तो भी नंबर कटेंगे यार। मतलब कोशिश करो 250 के अराउंड ही आपको लिख के आना है, 245-255 जो भी वर्ड लिमिट है उसके थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, बट ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाना। और कीबोर्ड का ध्यान जरूर रखना, कीबोर्ड आपका वर्किंग कंडीशन में है या नहीं ये एग्जाम स्टार्ट होते ही देख लेना। और एक लेटर यार कोविड पे जरूर कर लो, अभी देखो ओमिक्रॉन इतना पीक पर चल रहा है, डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे, एक आपका कोविड रिलेटेड ऐसे जरूर आएगा। कोविड का भी ऐसा कंटेंट है यार, 50% आप ऐसा कंटेंट याद कर लो जो किसी भी एसे में चिपका के आ सकते हो, कहीं भी कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, ठीक है। और एक आप इकोनॉमी रिलेटेड जरूर कर लो, पता है जो मुझे लग रहा है एसे कौन सा आएगा आपका, आएगा कि आपके कोविड की वजह से आपकी इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा है, और आपकी इंडियन गवर्नमेंट उसको किस तरीके से बूस्ट करने में किस तरीके से उसको बूस्ट कर रही है, तो ये जरूर आपको देखने को मिलने वाला है। तो दो ऐसे, वन इज रिलेटेड टू कोविड, अदर इज रिलेटेड टू योर इंडियन इकोनॉमी, इनको जरूर पहले याद कर लो। और थर्ड नंबर पे आपका कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप कर सकते हो, रिलेटेड टू योर बैंकिंग, इतना कर लो। और फॉर्मल पे तो यार फॉर्मल आप पहले फॉर्मेट तो याद करो, और गाइडली के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको देखो, वहां से प्रैक्टिस करो, और उनका जो सॉल्यूशन वो देते हैं उसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। ज्यादा मेहनत मत करना, ज्यादा ज्यादा 7 या 8 ऐसे याद कर लो, इतने में से ना एक आधा आपको देखने में मिल जाएगा एग्जाम में। तो इतना करो, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। सो और कोई क्वेरी है तो बता देना यार। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे फॉर योर डिस्क्रिप्टिव, टेक केयर, बाय बाय। और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, फालतू में एग्जाम पोस्टपोन होने की उम्मीद मत रखो यार, नहीं होगा ना तो उनके मजे आ जाएंगे जो तैयारी कर रहे थे, आप में से आधे बैठ गए होंगे तो फिर उनको लास्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो यार, बाय बाय।